ये हमारा फूड वाला वर्टिकल है। फूड वाले वर्टिकल में मैं 5 वर्टिकल्स के बारे में तुमको बता रहा हूँ, तुम जरा देख लेना। हाँ, सबसे पहले अब इसमें पोहा आने वाला है, इसमें सूजी आने वाली है, इसके अंदर जो है पोहा और सूजी के साथ बेसन भी अभी एक ही तरह का है, अभी पतला और मोटा बेसन भी आने वाला है। अभी जिन जिन प्रोडक्ट्स की थोड़ी बहुत कमी है वो भी पूर्ति होने वाली है। जरा गौर से आप बात को सुनना। ये इसमें इतना पोटेंशियल है। अभी खाली एक तरह का आटा आप लोग ज़्यादातर उपलब्ध कराते हो, 99%। अभी मल्टीग्रेन आटा जो इस देश में करीब 20 करोड़ की आबादी, वो अब खाली आटा नहीं खाती है। उसको पता है कि बॉडी को फुल न्यूट्रिशन चाहिए तो मल्टीग्रेन खाना पड़ेगा। एक तरह का अनाज, एक तरह की दालें, एक जैसा चावल, एक जैसे तेल, एक जैसी शाक सब्जियां, ये खा करके हम स्वस्थ नहीं रह सकते। अब ये वर्ल्ड वाइड, साथ में मैं कह रहा हूं कि ये हेल्थ एजुकेशन भी, इसके साथ न्यूट्रिशन एजुकेशन भी, वर्ल्ड वाइड ये सत्य स्थापित हो गया है कि हमें एक जैसा अनाज नहीं खाना चाहिए। हमें गेहूं, बाजरा, चावल, जौ, मकई, रागी, अलग अलग प्रकार के जो अनाज हैं, हमने नवरत्न आटे में 9 अनाज मिलाए। जो क्लास ए स्टोर्स हैं हर एक शहर में, भुवनेश्वर जैसे शहर में कम से कम 400-500, कटक जैसे शहर में 300-400, हर शहर में 50 से लेकर के 200-250-300-400 स्टोर ऐसे होते हैं जो ए प्लस या ए बी श्रेणी के होते हैं। इनमें सामान्य आटे के साथ हमारा मल्टीग्रेन आटा, जिसको नवरत्न आटा हम कहते हैं, मिस्सी आटा, और जिन लोगों को पता है, नहीं तो लोग फिर पता लगाते रहते हैं, इसमें एक शरबती आटा आता है, उसका इतना सॉफ्ट होता है, इतना टेस्टी होता है, इतना हेल्दी होता है, वो गेहूं का क्वालिटी अलग होता है। हमेशा वो बाजार में 5-7 रुपए किलो तो ज़्यादा उसका वो ही मिलता है, गेहूं ही मिलता है, और सब कुल मिलाकर के लगभग 10-11 रुपए किलो का, 8-10 रुपए किलो का उसमें अंतर होता है। शरबती आटा, फिर इसके अंदर मिस्सी आटा, मेथी आटा, डायबिटिक आटा, कितना जो है हाई फाइबर आटा, ये क्लास वन स्टोर में तो सब बिकने वाला है। दलिया अभी थोड़ा पिछले दिनों जो है आप लोगों ने ठीक से उसको ड्राइव नहीं किया, इसलिए एक बार उसको अभी रीअरेंजमेंट किया, उसके अंदर मिसमैनेजमेंट हो गया था। दलिया आपको 100% फुलफिल मिलेगा। दलिया में भी जौ का दलिया, गेहूं का दलिया, मल्टीग्रेन दलिया, और उसमें बेसन भी मैंने कहा मिलेगा आपको, नमक पूरा मिल ही रहा है। बूरा अभी आपको थोड़ी मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है, शुगर के बारे में आगे अभी सोच रहे हैं। लेकिन ये जितना बड़ा वर्टिकल है, ये कितना बड़ा वर्टिकल है, ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का देखा जाए तो ये तो करीब 2-2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का टोटल। ऐसे देखा जाए तो गेहूँ कितने रुपये का खा जाते हैं वो तो बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन लोग अपने घर में आटा बना करके खाते हैं, उसको निकाल भी दें तो पैक्ड मार्केट इस अब इस देश में 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का है, पैक्ड मार्केट। अभी जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपने देश में करीब 1-1 लाख टन आटा महीने का बेचती है, और हम लोग जो है इसमें यदि 30-40 हज़ार टन पर बैठे रहें, ये इस साल का संकल्प है हमारा, इस साल का नहीं अगले 2 महीने का, 1 लाख टन आटा, 1 लाख टन तेल, 1 लाख टन बिस्किट, 1 लाख टन राइस, ये इसी 2-3 महीने में अपने को करके दिखाना है, 1-1 महीने में, और आपको भी करना है। इतना बड़ा पोटेंशियल है, हम लोग तो जहां खड़े हो जैसे कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा, जो मैंने बात कही कुछ समझ में आया। अभी मैं तेल के ऊपर आता हूं, घी के ऊपर आता हूं। तेल जो है करीब 2 लाख करोड़ रुपए का हमारे यहां पर मार्केट है, उसमें इंडस्ट्रियल निकाल भी देते हो तो 1 लीटर के पाउच में और किलो के अंदर जो है, चाहे राइस ब्रांड है, चाहे वो सोयाबीन है, अब सनफ्लावर है, अभी हमारा ग्राउंडनट भी आ गया, अभी तिल का तेल भी आने वाला है, और इसमें वो भी आ गया है अपना, नारियल का तेल भी ऑलरेडी आ चुका है, और अपना घी है। पाउच बोतल से 5 रुपये सस्ता होता है सभी तरह का, इसलिए जब पूरा आप जब इसको करोगे आगे तो आपको 80% पाउच बिकेगा, 20% मात्र बोतल बिकेगी। कोई भी आदमी 5 रुपये जब कम लगता है तो 5 रुपये तो बहुत बड़ा अंतर होता है,
5% का अंतर हो जाता है लगभग लगभग। तो ये 5 लीटर की बोतल, 1 लीटर की बोतल, पाउच और घी, ये कुल मिलाकर के मैं कहता हूँ 1 लीटर के अंदर जो है पाउच में, इसमें भी देखा जाए तो घी और तेल, ये कम से कम जो है 50,000 करोड़ से ज़्यादा का तो ऐसे छोटे उसमें बोतल उसमें इसमें है। हम लोग अभी जो कर रहे हैं, हर दुकान के ऊपर पतंजलि का तेल होना चाहिए, हर दुकान के ऊपर पतंजलि का जो है आटा होना चाहिए, हर दुकान पे, छोटी दुकान है तो 200 ग्राम का 250 ग्राम का मिलेगा ना, 200 ग्राम का मिलेगा, छोटी दुकान है तो 200, थोड़ा मीडियम है तो 500, बड़ी दुकान है तो 1 और 5 लीटर भी मांगता है। अभी तो आपको 100% दुकान के ऊपर पतंजलि का घी है, 100 नहीं 10 भी नहीं है, 100%। कोई कौन ऐसा आदमी है जो तेल यूज नहीं करता, और जिसको पतंजलि का तेल मिलेगा ना, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो सोयाबीन का तेल हो, सोयाबीन ऑयल हो, सरसों हो, या राइस ब्रान हो, या जो है चाहे वो सनफ्लावर हो, जो जैसा। और अब तो मैंने कहा ना, मल्टीपल ऑयल खाने का एक ट्रेडिशन सा हो गया, एक परंपरा सा हो गया है। अभी इसमें देखो आप, बिस्किट में हमारे लगभग 20 प्रकार का बिस्किट है, अभी दो कल और नया लॉन्च कर दिया है, एक बाजरा, जैसे अपने डाइजेस्टिव है ना, ऐसे डाइजेस्टिव की तरह ही एक जो है कल लॉन्च किया हमने, अभी आप लोगों के पास में 1 वीक के अंदर पहुंच जाएगा, थोड़ा थोड़ा वो पूरा मिलेगा। बाजरा वाला बिस्किट भी डाइजेस्टिव की तरह बहुत ही ज़बरदस्त है। एक दूसरा निकाला है टॉप लाइट, नमकीन है वो भी। तो ये कुल मिलाकर के ये 20-22 तरह का बिस्किट है, और इसमें भी मैंने कहा डाइजेस्टिव से लेकर के और बाजरा से लेकर के बाकी सारे, चाहे वो मैरी हो, चाहे दूध बिस्किट को, जीरा बिस्किट हो, नमकीन हो, और जो है सब तरह का, और एनर्जी बार हो, कोई ऐसा नारियल बिस्किट से लेकर के, आरोग्य बिस्किट से लेकर के सब कुछ है। अभी तो क्रीम वाले भी और चॉकलेट वाले भी बिस्किट अपने बहुत अच्छे निकल करके आ रहे हैं। ये बिस्किट और ये बटर कुकीज़ पहले विदेशों से आया करता था, विदेशी कंपनियां 400-500 रुपये का बेचा करती थी, अपना कितने का है 200 रुपये का मात्र, 400-500 का बिका करता था। वार त्यौहार में तो लोग उपहार के रूप में इसको देते, होली है, दिवाली है, किसी के घर में किसी को गिफ्ट देने के लिए जाता है तो एक पैकेट यही ले लिया। और हमने ये 200 रुपये का उपलब्ध कराया। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना पोटेंशियल होने के बावजूद हमारा बिस्किट महीने का 1 लाख टन बिकना चाहिए, 1 लाख टन। अभी हम लोग खाली 20,000 पर पहुँचे हैं, ये 3 महीने के अंदर हमारी यात्रा इस बार हमारे 50,000, और आने वाले साल में अपना अभी करीब हमारे पास में 40-50,000 टन का तो प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने अभी बिल्डअप कर लिया है, 40-50,000 टन पर मंथ, और अगले साल ये करीब अपना 1 लाख टन पर महीना प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगी। आप लोग कहाँ बैठे हो भाई? और ये इसमें सबसे ज्यादा घुसा हुआ है ब्रिटानिया। अरे ब्रिटानिया अपने ब्रिटेन में जाए, यहां क्या कर रहे हैं? ये विदेशी कंपनी है, 10,000 करोड़ का बिस्किट बेचती है, जितना पतंजलि का कुल टर्नओवर है कितना, 10,000 करोड़ का, 9-10,000 करोड़ का तो अकेला ब्रिटानिया बिस्किट बेच लेता है, और सड़ावा और ब्रेड बेच लेता है। ऐसी तरह से ITC जो आधी हिंदुस्तानी आधी विदेशी है, पहले ये ब्रिटिश तंबाकू कंपनी थी, बाद में इंडियन तंबाकू कंपनी होगी। इन तंबाकू बेचने वालों को क्या पता है कि खाने पीने की चीजों का क्या मतलब होता है? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, अपने को ये वाला जो जब आप मार्केट में ना, अभी आज इस बार सबके लिए एक रूल लागू कर रहे हैं, और ये कल से 100% फॉलो होगा, और जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो पतंजलि में नहीं रहेगा। क्या है, जो भी मार्केट जाएगा, अब ये 5 वर्टिकल के बारे में मैं बता रहा हूं, वो 5 वर्टिकल का एक जो बिस्किट एंड जो है कन्फेक्शनरी का होगा, वो बिस्किट एंड कन्फेक्शनरी के 100% प्रोडक्ट्स का एक एक सैंपल लेकर के जाएगा। जो तेल वाला है वो तेल का 5 लीटर का नहीं लेके जाएगा, एक एक का तो लेके जाएगा। एक मैं बोला तो सैंपल के, कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन के सैंपल के साथ,
कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन बोलो, कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज के सैंपल के साथ बोला, तो बोले बाबा जी 5-5 किलो कैसे उठाएगा। अरे मैंने कहा 1 किलो तो उठा ले, घी जो है तो आधा किलो तो एक घी का डब्बा लेके जाए कि जो है आपको उसको, वैसे तो घी के बारे में सबको पता है वो, जब आप कम से कम, मैंने कहा ये 200 ml तो लेके जा अपने कि भाई ये हमारा घी है, तो आप बताओ आपको 200 चाहिए कि 500 चाहिए कि 1 किलो चाहिए कि 5 लीटर चाहिए आपको, उतना ही देंगे आपको। तो 200 ml तो उठा सकता है, 200 ml और 1 लीटर, एक जो है एक एक पाउच और एक एक बोतल, मैंने कहा ये लेकर के जाएगा तो भी कम से कम 5-7 किलो तक तो सामान उठा सकता आराम से, इतना तो तुम्हारी ताकत खत्म नहीं हुई है। ऐसे ही इसका एक एक पैकेट उठाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 पैकेट उठाएगा, 200 ग्राम भी वजन है तो कितना हो गया, 4 किलो हो गया। बाकी ये सब एक एक नूडल का एक एक पैकेट रख लेना, ओट्स का थोड़ा पैकेट रखना, एनर्जी बार रख लेना, नमकीन तो अभी 2 ही आया, अभी तो 50 तरह का नमकीन आने वाला है, 10-11 तरह तो सोयाबीन का, और 12 लो फैट, उसको डाइट नमकीन बोलते हैं, माने जो बाकी नमकीन है 30% उसमें लगता है, जो अपन नमकीन बना रहे हैं अभी उसमें खाली 2-3% फैट लगता है। तो जो है ये इतना बड़ा होगा आप अभी उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो। प्रोडक्ट के किसके साथ करना है मार्केट, बोलो, सैंपल के साथ। मैं अभी बिस्किट का ही बात कर रहा हूं, तो अभी इसमें सारे के सारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, अभी ये तो यहाँ दोनों चीज आ गया है, पतंजलि का रसगुल्ला भी आ गया है और गुलाब जामुन भी आ गया है। तो चलो, एक दुकानदार जो बहुत बड़ा है वो तो इसका 5-5 पीस मंगाएगा, छोटा है तो एक एक, ए और बी, ए प्लस ए और बी में तो बिकेगा, सब में नहीं बिकेगा, तो वहां तक तो लेकर के जाओ। इसका ये जो कैचअप है ये विदेशी कंपनियां बेचे जा रही है, सबसे ज्यादा कैचअप बिकता है किसान का हिंदुस्तान में, और वो देसी कंपनी नहीं है किसान नाम सोच करके, किसका है वो, यूनिलीवर का है। आप 200 ग्राम का सैंपल तो ले जा सकते हो कि जी इस तरह के हमारे पास में 200 में, 500 में, 1 किलो में, और इसमें भी फिर गार्लिक और गार्लिक के बिना है, आप जैसा बताओगे वैसा हम भेज देते हैं। जिस भी दुकान पे जाओगे ए प्लस ए और बी, ये कम से कम 3 तरह की दुकानें तो ऐसी हैं, आप जितना अभी बेच रहे हो इसका 10 गुना बिके, और पिछले 3 महीनों से इसकी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी और किसानों का टमाटर सड़ता रहता है, हम इसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाते। इसके पीछे मात्र प्रोडक्ट बेचना ही मकसद नहीं है, इस देश के किसानों को बचाने का मकसद है और देश को बचाने का मकसद है। आप लोग ठीक से इसको प्रोडक्ट को आगे लेकर के जाओ। हमारा पूरा का पूरा ये सोन पापड़ी है, ये अभी इसका जो कॉर्नफ्लेक्स है, मूसली और चौकोज है, अभी इसमें क्या हो रहा था, अभी तक शहर के लोग प्रयोग कर रहे थे, अब इसका पाउच आएगा तो ये ए बी और सी तीनों जगह बिकेगा इसका पाउच, क्योंकि अब गांव का आदमी सोचता है अरे इस गांव का जो शहर का जो बड़ा बाबूजी है, बड़ा आदमी है, वो दूध में जो सीरियल्स दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल के खाता है, तो वो भी इसको टेस्ट करना चाहता है, तो एक बार का उसको डाइट एक पाउच में आ जाएगा, वो पाउच में भी आएगा, बल्कि एक आदमी एक बार वो पूरा एक पाउच खा ले तो पेट भर जाए, तो वो परिवार के 2-3 लोग मिलकर खाएंगे उसको, पाउच में भी आने वाला है। अभी ओडिशा में तुम लोग रहते हो, लेकिन तुमको पता है कि ओडिशा के अंदर कितना आयरन ओर है, कितना बॉक्साइड है, कितना इसके अंदर जो है कितना कोल है, कितना इसके अंदर अलग अलग प्रकार के मेटल्स हैं, पता है नहीं पता, रहते हो। अरे बाकी ओडिशा का छोड़ो, पतंजलि का छोड़ो, तुम्हारे भीतर भगवान ने कितना ज्ञान दे रखा है पता है, भगवान ने कितना तुम्हारे भीतर शक्ति दे रखी है पता है, जैसे तुम्हारे भीतर परमात्मा ने हर नर के अंदर नारायण दिया हुआ है, हर जीव के अंदर ब्रह्म छिपा है, एक एक इंसान में स्वयं भगवान बैठा है, 1 body = 1 universe, मैं ये हमेशा बोलता हूं, एक एक मनुष्य को परमात्मा ने असीम ज्ञान, असीम संवेदनाएं, असीम प्रेम करुणा वात्सल्य, असीम शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य विभूति दी हुई है। जैसे इंसान अपने भीतर के दिव्यता और शक्तियों को नहीं जानता, ऐसे ही आप लोग पतंजलि में रह करके भी पतंजलि को नहीं जानते हो, इसलिए बाबा बताने के लिए आया है, आज समझ लो, और 7 दिन के अंदर तैयारी कर लो, अगले महीने से परफॉर्मेंस जारी रहेगी, और देखना
जो मैं कह रहा हूं वो होगा, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, जो पतंजलि को करना है वो पतंजलि करेगा, जो सेल्स टीम को अभ्युदय टीम को करना है वो करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को करना है वो करेंगे। और इससे देश के नागरिक तो पतंजलि को आसमान की ऊंचाई तक उठा करके ले जाना चाहते हैं। आप लोगों को आज मैं पूरा बोध देने आया हूं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारा बोध दिया, वो योद्धा होकर के कहता है गंडिवम संस्रते हस्ता त्वचैव परिदह्येते नहीं शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमति वच मे मन, कितनी कितनी तरह की बातें बोलता है। बोले भगवान जी से बोला, बोले ये पढ़ा तेरा गंडिव, मैं नहीं उठाता इसको। इतना महायोद्धा होकर के और अर्जुन भयभीत हो जाता है, उसको जैसे बोध देना पड़ा। दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ कि वो अपने अंदर का बोध उसको दिया। ऐसे ही मैं तुमको पतंजलि का बोध दे रहा हूं कि पतंजलि के अंदर क्या स्ट्रेंथ है। अगला अभी चल रहा है इसका, देखो इतना प्रकार का इसके अंदर जो है अचार है, जैम है इसके अंदर, ये कितनी तरह की आ गई है, ये हार्ड कैंडी बोलो, पांच तरह की तो हार्ड कैंडी आ गई है। हाई की उसमें एक है, ये कैंडी जहां पर भी लेके जाओगे ना हर दुकानदार अपने सामने रख करके बेचेगा इसको। क्यों? उसको दो रुपए एक रुपए का खुले का प्रॉब्लम होता है तो वो एक दो कैंडी पकड़ा देते हैं, बहुत अच्छी आई है पतंजलि की, खा के देखना वो भी राजी हो जाता है। और तुम ऐसे महापुरुष हो कि तुमको खुद ही नहीं पता कि ये है क्या, इसको ले जाना पड़ेगा। इसको जैसे लेकर के जाओगे, एक जगह भेज दिया हमने गलती से, उसने एक पेटी मंगाया था 25 पेटी चला गया। उसने बोला जी मेरे पास तो एक साल भर का वो हाई की आ गया। हमारे सेल्स वाले गए वहां पर, इसको प्रोडक्ट के साथ मार्केट किया तो जो एक साल का बता रहा था वो एक सप्ताह के अंदर सारा हाई किक बिक गया उसका, विद इन ए वीक। तो अब ये सेल्स कैसे करना है आपको बताएंगे। अभी कुछ लोग सोचते हैं कि सारा सेकेंडरी जो है ना ये एसओ करेगा, एसओ करेगा आपका नया डीएसएम को समझाएगा। एक एसओ के अंडर में पांच डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कम से कम पांच से छह। वो आपके पास में वीक में जितना आपका नया सेल्समैन रखा है उसको ट्रेनिंग देगा, पुराने के साथ भी वो एक एक दिन जाकर के तो ट्रेनिंग दे सकता है। किस तरह से काम होगा मैं पूरा बताऊंगा। ये पूरा मुरब्बा से लेकर के कैंडी से लेकर के सब कुछ, अब ये तो ग्लूकोज शक्ति भी आ गया, थोड़ा थोड़ा तो सभी जगह चलता है ये ग्लूकोज शक्ति। अब मैं अगले पे आता हूं। ये जो पूरा मार्केट है ये करीब 1,00,000 करोड़ का है, उसमें से छोटे मोटे जो जो है घरों में काम करते हैं बिस्किट और तमाम तरह के ये जो है कुकीज आदि बनाने का, नमकीन आदि बनाने का, उसको मैं छोड़ भी देता हूँ तो भी ये करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट है, 50,000 करोड़ से ज़्यादा का। अभी इसके ऊपर आ जाइए, राइस स्पाइस एंड पल्सेज, ये तो डायरेक्ट 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट है। और इसमें अभी हम हर प्रांत के चावलों को डाल रहे हैं, अभी तो करीब जो है 20 प्रकार के तो वैरायटी हमने ऑलरेडी चावलों की लॉन्च कर दिए। अब इसका एड कैंपेन भी इतना जबरदस्त बनाया है कि वो एड कैंपेन देखेगा ना तो पतंजलि को ही ढूंढता पाएगा, उसको अभी तक पतंजलि का पोटेंशियल ही नहीं पता उसको भी। ये सारे के सारे जो जिस प्रांत में लगते हैं, करीब जो है हर एक प्रांत में 3 से 5 तरह के चावल लगते हैं, हर एक प्रांत के अंदर 3 से 5 तरह के चावल लगते हैं कम से कम बिकने में। 4-5 प्रकार का तो चावल, करीब 10 तरह की दालें, वो एक एक किलो का नहीं ले जाना तो आधा आधा किलो की तो ले जा सकते हो, आधा आधा किलो की भी सैंपल है हमारे पास। मुख्य रूप से जिस एरिया में जो दाल लगता है उसी का ऑर्डर करो। अभी क्या हो रहा है, एक समय वो था जब लोग खुली दाल खुले मसाले खुले चावल खाते थे, अभी डाइवर्ट हो रहे हैं। और आने वाले 3 से 5 वर्षों में करीब 80% लोग शहरों में, कस्बों में 50% और गाँव में भी लोग अब पैक्ड चीजों में जा रहे, क्योंकि उसको भरोसा है कि जब हम कहते हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं है, खास करके इसके ऊपर पॉलिश कर देते हैं, उसमें लोग इतने भयंकर कलर्स डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, उससे लोगों को किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, लीवर फेलियर, हार्ट फेलियर, नर्वस सिस्टम का फेलियर, और उनको ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, SLMS ऑटोमन डिजीज, कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। तो लोग अभी पैक्ड फूड में आ रहे हैं, तो पैक्ड फूड में इसमें इतना ज़्यादा है, ये सारे के सारे चावल, सारी की सारी दालें और ये स्पाइसेज, ये यहाँ तक कि इतना बड़ा वर्टिकल है। जब कोई आदमी पतंजलि का सामान रख लेगा ना तो मार्केट में एक बोला जाता है विजिबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे सेल्स टीम को मैंने पूछा, बोले स्वामी जी विजिबिलिटी के लिए तो विदेशी कंपनियाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट बहुत भयंकर पैसा खर्च करती हैं। अभी मैंने सोच लिया है
हमने सेल्स टीम की बात मान के खाली 10-11 शहरों में इनका वो विजिबिलिटी का भी प्रोग्राम चलाया है, जो आप प्रोडक्ट लाइन के साथ में सब कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज के साथ जब आप मार्केट करेंगे तो एक दुकान में 25 से लेकर के 50% पतंजलि ही दिखाई देगा। विजिबिलिटी में आप अपने आप आ जाएगी। ये विजिबिलिटी के लिए अलग से ड्राइव चलाने की जरूरत कहां रहेगी? हमारे पास में जब इतनी बड़ी रेंज है तो विजिबिलिटी तो अपने आप आएगी। अपना जो स्ट्रेंथ है उसको पूरा समझो। जब हम पूरी प्रोडक्ट रेंज के साथ करेंगे, अब ये वहां से लेकर के एक दुकान, तो यहां तक एक दुकान भर गई पूरी। इतनी हिंदुस्तान में 50% दुकान तो इतनी होती कि पतंजलि रख दिया जाए तो दूसरे को एंट्री नहीं मिलेगी। ये भी करके दिखाना अपने को। जब उसने पतंजलि को पूरी तरह से वो समझता ही नहीं, दुकानदार को तो तब पता लगे ना जब हमारे बापू को पता लगे। तुम इसके बाप हो इस प्रोडक्ट, तुमको ही नहीं पता एक एक प्रोडक्ट के बारे में। ये तो मैंने अभी जैसे मसाले, मसाले में किसको बोले, अब वो दुकानदार के पास सेल्समैन जाता है, पतंजलि का मसाला चाहिए क्या है? बोले हल्दी है, गर्म मसाला है, जीरा है, धनिया है। अच्छा तो बोलो ऐसा करो, 2 पैकेट हल्दी का लिख दो, 2 जीरे का लिख दो, 1 धनिया का लिख दो। 3 से ज्यादा उस सेल्समैन को नहीं पता। जब वो पूरी मसाले की रेंज के बारे में बात करेगा कि हमारे यहाँ पर काली मिर्च भी है, हमारे यहाँ पर जो है धनिया भी है, जीरा भी है, हल्दी भी है, अजवाइन भी है, और हमारे पास में जो है गरम मसाला है, चाट मसाला है, छोला मसाला है, सारे मसालों की रेंज, एक एक पैकेट, जो इसका सेल्समैन होगा वो थोड़ा मजबूत सा रखना पड़ेगा, उसको इंसेंटिव दे देना स्पेशल। वो जब लेकर के जाएगा ना सैंपल, 200 ग्राम के सैंपल हैं, करीब 6-7 तरह का मसाला का सैंपल लेके जाएगा। इसमें जो है ये फिर ये गत्ते वाले पैकिंग के अलावा ये पाउच पैकिंग भी, अब ये जो है आप खुद देखा आपने, इसको तो वो अपनी दुकानदार में इसको तो लड़ी लटका देता है। फिर वो हल्दी है, लाल मिर्च है, ये तो पाउच पैकिंग में भी बहुत भयंकर बिकता है। और इसमें हमारा रेट तो अच्छा है ही, पहले हमारा मार्जिन कम हुआ करता था, हमने कहा कि चाहे पतंजलि को बचे नहीं, लेकिन अभी 1 साल तक ऐसा ड्राइव चलाना है कि बिना कमाए भी घर घर में पतंजलि का मसाला पहुंचाना है। हमने मार्जिन करेक्शन भी कर दिया, मार्जिन करेक्शन कर दिया। अभी आपको इस जो है अभी जो अब आगे से आएगा पूरा पूरा बहुत बड़ा ड्राइव ले रहे हैं मसाले के अंदर, तो आपको मार्जिन करेक्शन होकर के आएगा। पहले मार्जिन थोड़ा कम देते थे हम लोग, तो अब वो मार्केट के अकॉर्डिंग हो गया है, 20 हो गया है, सब में कर दिया। अभी सब के अंदर ऐसा ही मिलेगा मार्केट का अकॉर्डिंग। तो ये इसका इस वर्टिकल का नाम क्या है? राइस स्पाइस एंड पल्सेस। राइस स्पाइस एंड पल्सेस में एक पूरा दुकान भर जाएगा। अभी तुम राइस स्पाइस और पल्सेस के नाम पर 3 चीजें रखते हो, 2 का ऑर्डर लेकर के आते हो, ऐसे नहीं चलने वाला। अब आओ इधर, जूसेज एंड बेवरेजेस, इसमें इतना पोटेंशियल है। मैं आपको 4-5 जो इसके बड़े प्रोडक्ट हैं सबसे पहले उसकी बात करता हूँ। जूस, चलो जूस के समय बिकता है, लेकिन दिसंबर जनवरी में वो 20-30-40-50% भी कम हो जाए तो भी साल भर पूरी दुनिया में जूस बिकता है। अमेरिका में करीब 50% जगह पर कभी गर्मी होती नहीं, सर्दी होती है। पूरा यूरोप, पूरा यूके, पूरा जापान, बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर गर्मी होती नहीं है, वहां जूस पीते कि नहीं पीते? अपने देश में भी आप दिसंबर जनवरी में भी कोई भी दुकान पर जाओगे तो वहां पर आपको ट्रॉपिकाना, जो विदेशी और देसी में डाबर रियल जूस, ये आपको सेल्फ में लगा हुआ दिखता है कि नहीं दिखता? पतंजलि है वहां, इसमें भी जूस में भी मार्केट का जो मार्जिन का करेक्शन वो कर दिया गया, बल्कि उससे ज्यादा कर दिया। हमने कहा चलो इनका थोड़े दिन में इनका भी शीर्षासन कराते हैं, अभी पतंजलि को चाहे 1 रुपये ना बचते लेकिन इनको भी दिखाते हैं। हाँ, MRP हमारा कम है और मार्जिन उससे ज्यादा बढ़ा दिया। अभी अभी तो स्कीम है, बाद में परमानेंट उसको रखेंगे। जूसेज उसके बाद में आगे का मैं बता रहा था, ये कैंडीज हैं, ये कैंडीज भी थोड़ा थोड़ा सब तरह का बिकता है। अभी मैं आपको जो मेन इसके प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बात करता हूँ। देखो, पावर वीटा हनी और च्यवनप्रास, ये तो हर एक दुकान पर मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर कोई आदमी हो सकता है आधा किलो का रखेगा, सीट क्लास वाला दुकानदार भी आधा किलो च्यवनप्राश रखता है, क्योंकि उसके पास में भी दिन में 2-4 आदमी आ जाते हैं या 1-2 आदमी आ जाता है जो च्यवनप्राश खरीदने के लिए आता है, आधा किलो वाला ही हो।
जो बी और ए प्लस वाला है वो आपके पांच पांच डब्बे च्यवनप्राश के रखेगा, कितना? पांच पांच डब्बे च्यवनप्राश के, पांच पांच डब्बे वो पावर वीटा के रखा, कुछ पाउच रखा गया इसका, तो जो है अलग अलग जो जो इसका एसकेयू है पूरा पावर वीटा का एसकेयू रखेगा, वो पाउच भी रखेगा, वो गत्ते वाला भी रखेगा। हर एक दुकानदार आपका 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो और एक किलो, छोटा दुकानदार है तो 250 ग्राम जरूर रख लेगा, पूजा पाठ वाला छोड़ दो कोई बात नहीं, जो 20-30 ग्राम रखते हैं। आजकल आधे रेट में पतंजलि का हनी है, 100% प्योर हनी है, इतना जबरदस्त ड्राइव लिया हुआ है। हर ए बी सी तीनों तरह की दुकानों पर, किसी पर 250 ग्राम, किसी पर 500, किसी पर एक और किसी के ऊपर, सारे आपको ये एसकेयू मिलेंगे। हर एक दुकान पर च्यवनप्राश, हर एक दुकान पर पावर वीटा, हर एक दुकान पर ये च्यवनप्राश, हर एक दुकान के ऊपर अभी मिल्क पाउडर भी हमारा बहुत जबरदस्त चल रहा है। और चाहे कम हो जाए 20-25-50% कम हो सकता है, इससे ज्यादा कम नहीं है, तो पूरा मार्केट का सर्वे करके हम बात कर रहे हैं, 25-50% कम हो सकता है, लेकिन 12 महीने हिंदुस्तान में भी जूस बिकता है हर एक दुकान पे। अरे और कुछ नहीं तो वो ये तो टांग दो 5-5 रुपए वाली, ये तो स्पेशल पतंजलि का ही नया इनिशिएटिव है, ये 5 रुपए वाला जूस, चाहे वो लीची है, चाहे वो गवावा है, और इससे हमारा प्रचार भी होता है, चाहे एप्पल है, चाहे आंवला एलोवेरा है, सब तरह के जूसेज हैं इसके अंदर। ये च्यवनप्राश, ये जूसेज, ये सब तरह के मिल्क पाउडर आदि सारे हार्ड कैंडीज, मैंने कहा इसमें बड़े प्रोडक्ट है 5, तो एक च्यवनप्राश, एक किलो, आधा किलो, ये 250 ग्राम से लेकर के और एक किलो तक हनी, इसी तरह से पावर वीटा, ये तो इतने जबरदस्त है। और अभी सर्दियों के अंदर पूरी सर्दी ये खांसी के लिए श्वास वाली, अब इसकी इतनी बड़ी कैपेसिटी हमने लगा रखी है, उसका 20% भी हम लोग यूज नहीं कर रहे, क्यों? आप लोग उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो। बहुत बड़ा शब्द होता है मार्केट में, क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूशन। इतना पुअर है हम लोगों का, माने ताकत लेके बैठे हाथी जैसी और काम कर रहे हैं चींटी जैसा। क्या बोला? ताकत कितने? हाथी जैसी, और काम कैसा? चींटी जैसा। ये श्वासारी हर एक दुकान पर मिलेगा, छोटा दुकान वाले के, अच्छा गरीब आदमी को खांसी नहीं होती है क्या? तो वो क्या ये अकेला 25,000 करोड़ रुपए का तो कफ सिरप का मार्केट है, 25,000 करोड़ का, 90% इसमें एलोपैथी वाले लोग घुसे हुए, और एलोपैथी से ज्यादा इफेक्टिव है अपनी श्वासारी। एलोपैथी के डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं तो रोगियों को एलोपैथी लिखते होंगे, अपने खुद को और अपने बच्चों को श्वासारी पिलाते हैं। सिंपल सी चीज है, कफ सिरप के नाम पर नींद की और पता नहीं क्या क्या दवाइयां बिकती है। ये तो एक एक मार्केट की आपको मैं स्ट्रेंथ बता रहा था। अब आंवला एलोवेरा मैं बता रहा था, जो 12 महीना बिकने वाले शहद, च्यवनप्राश, पावर वीटा, आंवला एलोवेरा, बोलो ये 12 महीना बिकता है कि नहीं बिकता? इसको ठीक से हम लोग प्लेसमेंट करें, इसका इतना प्रचार किया हमने हिंदुस्तान में, और ये पतंजलि ने बनाया और किसी का नहीं है। आंवला एलोवेरा जूस पीना सिखाया हमने, लोग 4-4 चम्मच भी पीते हैं तो इतना ज्यादा हो जाता है आंवला एलोवेरा 12 महीना। फिर ये थोड़े थोड़े जूस बिकते हैं, इसको बारे में भी थोड़ा थोड़ा प्लेसमेंट होगा तो और अच्छा हो जाएगा। 12 महीना ही पाचक बिकता है, इसका भी मार्केट बहुत बड़ा है, तुम लोगों को अभी इसका पूरा पावर ही नहीं पता है। आप लोग जो किसी भी दुकानदार के पास ज्यादातर क्या लेके जाते हो? हरड़ या अनारदाना, बोलो सही बात है ना? पूरा का पूरा पाचक का रेंज लेकर के कोई कोई जाता होगा, अपवाद को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल बात कर रहा हूं। जनरल टर्म में हम लोग पाचक में से 2 डब्बे पाचक की, आपका सेल्समैन कहता है आपको पाचक लेना है, तो पहले तो बोलता है दुकानदार पाचक क्या होता है, तो बोलता है हमारे खट्टी मीठी गोली है, बोलो एक लिख ले, बोलो कौन सी ले, बोले जो तेरी मर्जी हो ले आना। ना दुकानदार को पता, ना सेल्समैन को पता, और तुम तो पूरे ब्रह्मज्ञानी हो। जब सैंपल के साथ तुम लोग ये मार्केट करोगे ना, अभी हमने इसकी दूसरी प्रोडक्शन कैपेसिटी डाली हुई, इतना बड़ा मार्केट है इसका। ये पाचक 12 महीने चलने वाला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-7 तरह के ये पाचक है, उससे भी ज्यादा ही होंगे। अनारदाना है, फिर इसके अंदर जो है हींग है, इसके अंदर जो है अजवाइन है, जीरा है, और फिर वो अलग अलग तरह का हींग पेड़ा है, सब तरह का इसके अंदर है।
बारह के बारह महीने गुलकंद चलता है, बारह के बारह महीना। और अभी तो इसमें और भी प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो इसमें अभी एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट आ रहा है, इस साल वो 500 करोड़ करेगा और आने वाले दो तीन सालों में 5000 करोड़ करेगा। उसका नाम है शुद्धि चूर्ण। इसका कैंपेन चालू करने वाले हैं इस अगले महीने से। पेट सफा होने की समस्या बताओ 125 करोड़ के लोगों में कितने लोगों को होगी? हर हर परिवार में यदि 5 आदमी हैं तो 4 को कब्ज रहता है और 2 आदमी तो कुछ ना कुछ खाते हैं उसके लिए, और उल्टा पुल्टा ज्यादा खाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा सनाई पत्ती वाला खाते हैं। 2 ग्राम खाने से पेट साफ हो जाएगा, ये शुद्धि चूर्ण है, इतना जबरदस्त। 2 ग्राम खाने से पेट साफ और इसके अंदर कोई सनाई पत्ती नहीं है, इतना जबरदस्त है इसका रिजल्ट, आप सोच नहीं सकते। माने जो एक बार खा लिया ना, जैसे अपना एलोवेरा जेल का प्रचार किसने किया, यूज करने वाले ने, माउथ पब्लिसिटी। हमारा जो जो हमारा विश्वास है उसका प्रचार किसने किया, भाइयों ने। जब से वो काम कर रहे हैं, चाहे घर की औरतें हैं या भाई है जो काम करने वाली है, वो तो आती है, हाथ धोती है तो उसके हाथ में कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाता। वो माउथ पब्लिसिटी, जैसे जैसे दंतकांति माउथ पब्लिसिटी से हुआ, केशकांति हमारा इतना बड़ा ब्रांड बना तो माउथ पब्लिसिटी से, ऐसे ही ये 100 करोड़ से शुरू होगा। और आज मैं कह रहा हूँ ये 500 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ का ब्रांड बनेगा, ये 5000 करोड़ का।